बैक अगेन। तो आज का जो हमारा रहने वाला है रेसिपी, वो रहने वाली है मंचूरियन विद ग्रेवी, जिसके लिए कैबेज यानी कि बंद गोभी हमने दो ले लिए और दो बिल्कुल मीडियम साइज़ प्याज ले लिए हमने। सबसे पहले हम इनको ग्रेट करेंगे अच्छे से, उसके बाद अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेकिंग। ये ग्रेवी रहेगी इसके साथ, तो पहले मंचूरियन बना लेते हैं। तो जब तक मंचूरियन हमारे बन के थोड़े से सेट हो जाएंगे, बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, तब तक हम अपनी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेकिंग। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं जो ऊपर वाले पत्ते थे, तीन तीन पत्ते हमने उतार दिए हैं, क्योंकि जो ख़राब थे बीच में कुछ लगा हुआ था, ये देखें, तो वो हमने उतार दिए हैं। ये आ गया अब हमारे पास कैबेज यानी कि बंद गोभी। तो सबसे पहले इसको ग्रेट करेंगे। तो इसके लिए हमने मल्टी साइज़ ग्रेटर ले लिया है, ये देखें। तो हम इस वाले में से और एक इसमें से निकालेंगे ग्रेट करके, ताकि जो बाइंडिंग है वो बड़े और छोटे वाले जो हमारे ग्रेट करके साइज़ आएगा कैबेज का, वो अच्छे से बाइंड हो जाए। तो जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे बाइंडिंग के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं। सबसे पहले इनको ग्रेट कर लेते हैं। तो जो प्याज़ हमने दो लिए हैं, उनको भी पील ऑफ करके ग्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, कैबेज यानी कि बंद गोभी और प्याज जो हैं दो हमने लिए थे, उनको ग्रेट कर लिया फाइन हमने, और कैबेज भी ग्रेट कर लिए। तो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नमक ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से सारा पानी जो है वो ये अलग से हो जाए, और इसको हम लास्ट में एकदम स्क्वीज़ करके निकालेंगे। सबसे पहले नमक अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बीच में हम, ताकि जब हम इसको बाइंड करें बाद में मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए, तो ये बैटर जो इसका है कॉर्नफ्लोर, जब हम इसके अंदर ऐड करें तो अच्छे से हो जाए। ये देखें, ये अभी से ही पानी छोड़ना स्टार्ट हो गया, ये देखें, ये देखें। तो इसलिए हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देंगे। और इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसको एक साइड से थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, ताकि पानी जो है वो पहले ही इसके अंदर जो है एक साइड पर इकट्ठा हो जाए। तो जो बड़े वाले पीसीज हैं प्याज के या कैबेज के, वो हम अलग कर देंगे। तो हमने मिक्स कर दिया इसको अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ नमक इसके अंदर ऐड करेंगे, और ये देखें, इसको एक तरफ कर दिया हमने। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें, पानी एक साइड चलना स्टार्ट हो गया इसका। तो इसी तरह से एक साइड से किसी चीज़ से आप थोड़ा सा इसको ऊपर करके रख दें, एलिवेशन दे दें थोड़ी सी। ये देखें, ये पानी सारा निकलना स्टार्ट हो गया इसमें से। तो 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और जो मिक्सचर बॉल बनाने से पहले इसमें हमने ऐड करना है जो हमारे मसाले रहेंगे, वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। सबसे पहले इसको रखते हैं ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो पानी है इसके अंदर, वो नीचे के लिए चल रहा है, ये देखें। तो 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही रखेंगे, ये देखें। तो हमने थोड़ी सी इसको एलिवेशन दे के रखी है यहाँ से, ये देखें। तो पानी को चलने देंगे 5 मिनट के लिए, इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके हम निकाल लेंगे। बाद में जो इसके इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करने हैं, वो आपके साथ मैं एक शेयर कर देता हूँ मंचूरियन बॉल्स बनाने से पहले। जैसे ही हम मंचूरियन का जो बैटर हमने तैयार किया, जिसमें कैबेज हमने ग्रेट किया और दो प्याज हमने ग्रेट किए, उसको जैसे ही हम पानी अच्छे से स्क्वीज़ करके निकालेंगे, तो 2 चम्मच हम उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम उसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम उसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो नमक हमने उसमें ऑलरेडी ऐड किया है, इसलिए हम नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वीज़ करके उसको निकाल लेते हैं, पानी उसका सारा ड्रेन आउट करके, फिर उसमें मसाले ऐड करके उसके बॉल्स बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं पानी सारा स्क्वीज़ करके हमने जो कैबेज यानी कि बंद गोभी और प्याज का मसाला हमने ग्रेट करके रखा था, ये देखें। तो अब जब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो इसमें पानी हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना, ताकि जो इसका थोड़ा सा मॉइस्चर अभी है इसके अंदर, उसी से वो बाइंड अप हो जाए सारा। आप देख सकते हैं ये वो पानी का क्वांटम कितना है जो अभी निकला इसमें से, जब हमने नमक ऐड किया था। तो नमक ऐड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कंसेप्ट है, वो ये है कि ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है इसके अंदर बंद गोभी में या प्याज में, वो निकल जाए सारा,
और अच्छे से बाइंड हो जाए। तो सबसे पहले ऐड करते हैं हम इसके अंदर मसाले, जो मसाले आपके साथ मैंने शेयर किए वो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से एक मिक्स करके इसको, इस सारे को एक अच्छे से मिक्स करके सारे बैटर को हम थोड़ी देर के लिए 2 से 4 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके बॉल्स बना लेंगे, जो मंचूरियन बॉल्स बनेंगे। तो एक ऑलमोस्ट स्मॉल साइज़ में मंचूरियन बॉल्स बनते हैं, तो आप अपने हिसाब से साइज़ को थोड़ा बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो करते हैं अपने प्रोसेस को फॉलो, इसको मिक्स करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ इसके बाद का नेक्स्ट हमारा जो है स्टेप वो क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स ये रही फाइनल शेप, ये देखें सारा मिक्स कितने अच्छे से हो गया। तो 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको साइड पे रखेंगे एट रेस्ट, उसके बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे। शेयर करता हूँ आपके साथ में जब बॉल्स बन जाते हैं हमारे। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें मंचूरियन बॉल्स हमने बना दिए हैं। तो सबसे पहले हम वेट करेंगे 10 से 12 मिनट का। इनको हम फ़ैन के नीचे भी थोड़ा टाइम दे सकते हैं सूखने के लिए, या फिर हम इसको फ्रीज़र में भी लगा सकते हैं फॉर 5 to 7 मिनट्स, ताकि जो बाइंडिंग इसकी है वो अच्छे से हो जाए कॉर्नफ्लोर के साथ। उसके बाद हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तब तक अपने लिए जो हमारी कॉर्नफ्लोर की ग्रेवी इसकी, तो तब तक फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो इसकी ग्रेवी है मंचूरियन की वो ऐड बना लेंगे। तो इसको फ्रीज़र में डालते हैं फॉर 5 मिनट्स, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। ये देखें ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही ये थोड़े थोड़े से ड्राई होंगे वैसे ही इसकी जो बाइंडिंग है वो होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट अभी इसके अंदर दिख रहा है, ये देखें। तो वेट करेंगे 5 मिनट के लिए, हम इसको फ्रीज़र में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे कि अदरक और लहसुन दोनों हमने बिल्कुल बारीक काट लिए। तो तेल गरम करके सबसे पहले ये ऐड करेंगे इसके अंदर हम, और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमने सब्ज़ियाँ काटी हैं वो ऐड करेंगे इसके अंदर, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा तेल जो है गरम हो चुका है, उसके अंदर ये दोनों इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जी आप देख सकते हैं लहसुन और अदरक हमने ऐड कर दिया है तेल के अंदर। तो जैसे ही हल्का हल्का फ्राई होगा उसके बाद हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे, और जो सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सब्ज़ियों में इसमें रहने वाला है शिमला मिर्च हमारी, प्याज रहने वाले हैं थोड़े से, कैबेज हमने थोड़ी सी काट ली है यानी कि बंद गोभी, थोड़े से गाजर हमने ग्रेट कर लिए। तो उसी के साथ हमने ले लिए हैं टमाटर, टमाटर जो है सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये जो हमारी सब्ज़ियाँ ये सारी एक ही साथ से ऐड हो जाएंगी, तो इनकी क्रंचीनेस वैसे ही रखनी है, ख़त्म नहीं करनी हमने क्रंचीनेस इसकी कि बिल्कुल पक जाए। तो 40% जैसे ही कुक होंगे उसके बाद हम इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो जो सॉसेज इसमें रहने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, जैसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉसेज। तो मसाले भी बड़े सिंपल से अब इसमें ऐड होंगे, तो करते हैं अपने प्रोसेस को फॉलो। जिंजर गार्लिक अच्छे से कुक हो गया, और जो हमारी सब्ज़ियाँ जितनी भी वो सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो वेजिटेबल्स हमारी हैं उनको ओवर कुक नहीं करना है, तो मैक्सिमम आप लेके चलें कि 1 से 2 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि सब्ज़ियाँ जो है अच्छे से कोई 30% अपनी क्रंचीनेस छोड़ दें। ये देखें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखें और कितना कलरफुल लग रहा है ये सारा हमारा जो मिक्स है। तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे, जो हमारे मसाले रहने वाले हैं। तो मसाले में हमने जैसे कि मंचूरियन में भी हमने मसाले ऐड किए हैं, तो इसमें हमारा गरम मसाला रहेगा 1/2 टेबल स्पून, 1/4 इसमें हम रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिल्ली आउट ऐड करनी है इसलिए, तो बच्चे भी इसको बड़े आसानी से खा सकें टेस्ट करके, तो इसलिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे। और इसके अंदर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं अपने मसाले इसके अंदर हम, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2 टेबल स्पून हमने चिल्ली पाउडर चिल्ली सॉस इसमें ऐड किया है, ग्रीन चिल्ली। टोमेटो सॉस हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है, 2 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है विनेगर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, उसके बाद 2 मिनट के लिए कुक करेंगे इसको, ताकि इसकी क्रंचीनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, रॉनेस, सॉरी आई जस्ट टेक माई वर्ड्स बैक, जो रॉनेस है इसकी ख़त्म हो जाए, क्रंचीनेस इसकी ऐसी रहनी चाहिए। तो उसी के साथ हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लम्ब्स फॉर्म ना हो,
और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे ताकि जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतनी हम रख सकें। तो करते हैं इसको प्री, हम दोबारा से कुक कोई 2 मिनट के लिए, तब तक हम कॉर्नफ्लावर का जो है मिक्सर बना लेते हैं पानी इसके अंदर ऐड करके। तो कॉर्नफ्लावर से क्या है कि हमारी जो थिकनेस है ग्रेवी की वो बड़ी अच्छी आएगी, और मंचूरियन जब इसमें अंदर ऐड करेंगे हम तो वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। ये देखें, ये अभी से ही मिक्स होना स्टार्ट हो गया है मसाला। इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे अभी हम, तो पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट वी रिक्वायर फॉर द मंचूरियंस। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने कॉर्नफ्लावर जो है उसका मिक्स बना लिया है। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर हम उसके अंदर जो हमने मिक्स बनाया अपना। ये देखें, ये हमारा तैयार हो रहा है मंचूरियन का सूप। तो पहले आधा ऐड करेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे कितनी आती है। एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे इसके अंदर मिक्स करके, उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे अगर हमें और रिक्वायरमेंट होगी तो। तो हम इसको थोड़ा थिक बनाने वाले हैं इसलिए हम कॉर्नफ्लावर सारा ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको बॉयल होने देंगे, बाकी वाला कॉर्नफ्लावर उसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर। तब तक अब हम अपने जो मंचूरियन बॉल्स हैं वो निकाल लेते हैं जो फ्रीज़र में रखे थे, और उनको डीप फ्राई कर लेते हैं हम। तो मंचूरियन बॉल्स में एक आपने बड़ी प्रिकॉशन रखनी है, वो ये है कि मीडियम फ्लेम पे उनको हमने फ्राई करना है ताकि वो अंदर से भी पक जाए, क्योंकि अगर हम उनको ओवर हीट करके करेंगे तो वो बाहर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से कच्चे ही रहेंगे वो। ग्रेवी हमारी जो है मंचूरियन की बन के तैयार है। ये देखें, बिल्कुल हमने थिक रखी है ग्रेवी। तो जैसे ही ये थोड़ी और ठंडी होगी अभी तो और थिक हो जाएगी थोड़ी सी, तब तक हम मंचूरियन बॉल्स जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हमने रिफाइन ऑयल ले लिया। तो जैसे ही रिफाइन ऑयल हमारा मीडियम हॉट होता है उसके बाद हम दो दो तीन तीन चार करके बैच वाइज मंचूरियन जो है वो डीप फ्राई करके निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे ग्रेवी के अंदर। तो वेट करते हैं अभी तेल के गर्म होने का। आप देख सकते हैं पहला बैच जो है मंचूरियन बॉल्स का वो हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। जैसे ही ये फ्राई होते हैं उसके बाद हमारे पास जो दूसरा बैच है वो डालेंगे हम इसके अंदर डीप फ्राई होने के लिए। तो बिल्कुल हल्का सा हम इसको दूसरी साइड पलटाएंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए, बट बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ ताकि जो हमारे मंचूरियन बॉल्स हैं वो टूटे ना बीच में से। जी आप देख सकते हैं मंचूरियन बॉल्स हमने फ्राई कर लिए हैं, इसी के साथ वो फ्राई हो रहा है। बीच में विद वेरी जेंटल एंड सॉफ्ट हैंड्स हमने इसको हल्का हल्का स्टर करना है ताकि बॉल्स हमारे टूटे ना। तो उसके बाद बॉल्स जो है वो हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे जो मंचूरियन ग्रेवी हमने बनाई है। तो हल्का हल्का सा स्टर करेंगे इसको बीच में, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो फ्रेंड्स, राइस हमने ले लिए, ये हमने दिन को ही बना के रखे थे राइस, क्योंकि फ्राइड राइस के लिए हमें राइस थोड़े ठंडे चाहिए। जो फ्रेशली कुक्ड राइस होते हैं वो चाहिए, वो नहीं अच्छे बनते। तो इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप्ड गाजर और उसके साथ थोड़ी सी बंद गोभी, और 2 डाइस करके हमने ग्रीन चिली रखी थी वो ऐड कर दी। थोड़ा सा सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए। बोतल नहीं खाना। 1 टेबलस्पून हमने सोया सॉस इसके अंदर ऐड कर दिया। तो और इसके साथ जो हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे ताकि जो चावल हैं हमारे वो ज़्यादा स्टिकी ना रहें और अच्छे खिले खिले बने। तो करते हैं अपना प्रोसेस को फॉलो और फ्राइड राइस अपने तैयार करते हैं। मंचूरियन की ग्रेवी और मंचूरियन हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। ये देखें, तो 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे तो राइस हमारे बड़े अच्छे से तैयार हो जाएंगे फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, रिफाइन में भी बना सकते हैं, और इसके लिए आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हल्का हल्का सा आपने इसको स्टर करना ताकि यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए हमारी जो वेजिटेबल्स हैं और राइस। तो फ्रेंड्स, ये आ गए फ्राइड राइस। तो उसके साथ हमने एक मिंट सॉस बनाई है, और ये आ गए हमारे मंचूरियन विद ग्रेवी।
ये आप देख सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे, हम इसको टेस्ट करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप भी ट्राई करें इसको बनाने की। अगर कोई और रेसिपी आपको अच्छी सी मिलती है तो वो भी आप शेयर कर दें लिंक उसका, तो उसको भी ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कल एक नई वीडियो लेके दोबारा आपसे मिलते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, गुड नाइट, स्टे सेफ।